आज जो अंबाड़ा के बाजार में भी किसान आते हैं, अगर उनके हाथ में खरीदने की ताकत हो तभी वे अंबाड़ा के बाजार या परासिया के बाजार या जामे के बाजार में आएंगे। पर अगर किसानों के हाथ में ये खरीदने की ताकत ना हो तो हमारा छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार भी नहीं चलता। ये आज चुनौती, ये आज चित्र हमें अपने सामने रखना है। हमने तो वचन दिया था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने कर्जा माफ किया। हमने 22 लाख किसानों का, 50 लाख में से 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। लोकसभा का चुनाव आया, आचार संहिता आई, इसमें रोक रुकावट है, ये तो एक राहत है। हमने कहा था कि हम पेंशन हुए, बिजली हुई, बिजली का बिल आधा करेंगे, बिजली का बिल आधा हुआ। हमने कहा था 100 यूनिट 100 रुपए हुआ। हमने कहा था हम बाबंदर का पैसा देंगे, दिया। हमने कहा था हम पेंशन बढ़ाएंगे, मैंने 2 महीने में 300 से 600 रुपए कर दिया। हमने कहा था 51,000 रुपए शादी के देंगे, दिए। ये तो हमारे नियत का 100 दिन का परिचय है। और भारतीय जनता पार्टी आज चिल्ला रही है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे शिवराज सिंह जी आ वाली है, ये जनता आपको अच्छी तरह समझ ली है। हमारी बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य, आज के नौजवान में अपनी सोच है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, अलग दुनिया में बुजुर्गों ने अपना जीवन काटा, हमारे नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज की नई पीढ़ी जो विभिन्न टीवी चैनल देखते हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी तड़फ है, उनकी तड़फ